समस्तीपुर रेल मंडल ने लोकसभा चुनाव और दरभंगा स्टेशन को उड़ाने की धमकी देने वाले संदिग्ध की गिरफ्तारी के बाद नेपाल सीमा से सटे स्टेशनों के अलावा सभी स्टेशन को हाई अलर्ट घोषित करते हुए चौकसी बढ़ा दी है। मंडल रेल सुरक्षा आयुक्त अंशुमन त्रिपाठी इसके खुद मॉनिटरिंग के साथ साथ स्टेशनों और ट्रेनों में डॉग स्क्वाड के साथ जांच कर रहे हैं। लोकसभा को लेकर लोकसभा चुनाव और हाल फिलहाल में बढ़ी नक्सली गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए हाई अलर्ट पे पूरा मंडल है और इसी क्रम में पवन एक्सप्रेस की जांच भी की गई है। साथ ही साथ हमें महत्वपूर्ण ट्रेनों में रेलवे बोर्ड से निर्देश मिले हैं कि उनकी पेंट्री कार को चेक किया जाए, तो उस संबंध में भी पेंट्री कार की चेकिंग जो है सुनिश्चित की गई। विशेष रूप से सर पेंट्री कार को चेक किया गया, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये है कि पेंट्री कार में अवैध व्यक्ति और अवैध सामान जो है वो क्या कहते हैं उनको ले जाया जा सकता है। अभी मुगलसराय मंडल में कुछ ऐसी घटनाएँ सामने आई हैं जिनके आधार पर रेलवे बोर्ड द्वारा यह दिशा निर्देश दिया गया था कि पेंट्री कार विशेषतः राजधानी की और अन्य प्रमुख ट्रेनों की चेक को विशेष रूप से सघन रूप से चेक किया जाए। मंडल के किस किस स्टेशनों का हाई अलर्ट पे रखा गया? सभी स्टेशन, मंडल के सभी स्टेशन, विशेषतः जो नेपाल सीमा से लगे हुए हैं हमारे सीतामढ़ी, दरभंगा तथा उधर रक्सौल, समस्तीपुर हेडक्वार्टर है। इसी कड़ी में हाल में मंडल रेल सुरक्षा आयुक्त दरभंगा से मुंबई जाने वाली पवन एक्सप्रेस के एसी कोच और पेंट्री कार की सघन जांच की। इसके अलावा स्टेशन पर हर संदिग्ध चीजों की डॉग स्क्वाड से जांच कराई गई। कमांडेंट ने पेंट्री कार में मौजूद एक एक कर्मियों के पहचान पत्र की भी जांच की। यात्रियों को सतर्क रहने की अपील करते हुए किसी प्रकार के संदिग्ध गतिविधियों को देखते ही सूचना आरपीएफ को देने को कहा गया है। देखिए, लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जीआरपी आरपीएफ की संयुक्त मीटिंग मैंने अपने चैम्बर में ली थी, जिसमें दोनों फोर्सेस, चूँकि आप जान रहे हैं चुनाव के मद्देनज़र फोर्सेस का मूवमेंट हो गया है, तो हमारे पास फोर्सेस भी कम है, तो दोनों को हमने पहला तो कहीं पर भी कोई पर भी अगर उन्हें कार्रवाई करनी है तो दोनों फोर्सेज मिलकर करें, कोऑर्डिनेशन हो उनमें, आपस में कोऑपरेट करें एक दूसरे को। दूसरी चीज़, विशेषतः रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, इनको विशेष तौर पर बोला गया है कि जो भी ट्रेन आ रही है वहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, जो भी ट्रेन आ रही है उनकी विशेष रूप से चेकिंग करें, स्पेशली पेंट्री कार की चेकिंग करें, जो एसी अटेंडेंट्स के केबिन है उनको विशेष रूप से चेक करें। आपको बता दें कि दरभंगा स्टेशन को उड़ाने की धमकी देने वाले की गिरफ्तारी और मुगलसराय स्टेशन पर पेंट्री कार से एटीएस द्वारा संदिग्ध के पकड़े जाने के बाद रेलवे बोर्ड से मिले आदेश पर समस्तीपुर रेल मंडल के सभी स्टेशनों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। खासकर नेपाल सीमा से सटे स्टेशनों और वहां से गुजरने वाली ट्रेनों पर नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में मंडल के रक्सौल, नरकटियागंज, जयनगर, दरभंगा, समस्तीपुर जैसे स्टेशन से गुजरने वाली सप्तक्रांति एक्सप्रेस, वैशाली एक्सप्रेस, बिहार जनसंपर्क क्रांति, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, सद्भावना एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों का खास जांच किया जा रहा है। समस्तीपुर से जहांगीर आलम, बिहार तक।